नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार वर्मा, चार्टर्ड इंजीनियर, वास्तु एंड जियोपैथिक स्टेट कंसल्टेंट, आप सभी का अपने YouTube चैनल askvastu.com में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। ये विषय है होम ऑफिस। होम ऑफिस यानी घर से कार्य करने की जगह। आज कोरोना काल में अधिकतर लोगों को घर से काम करने की जरूरत आन पड़ी और आईटी इंडस्ट्री में तो ये एक प्रथा जैसी बन गई है। ऐसे में उन लोगों के लिए जो घर से कार्य कर रहे हैं, उनका ऑफिस कैसा हो, घर में कहाँ ऑफिस बनाए, उसमें क्या सावधानियां रखें, इस विषय पर मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहता हूँ। ये सारे टिप्स हमारे जो देश के एंशियंट आर्किटेक्चर है, जिसे वास्तुशास्त्र बोलते हैं, उसके आधार पर दिए जा रहे हैं। ये जो होम ऑफिस है, सामान्यतः वास्तुशास्त्र में ये सलाह दी जाती है, घर में यदि आप ऑफिस बना रहे हैं तो दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट, ये तीन जगहों पर आप अपने ऑफिस रख सकते हैं। यहां से आपको लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी। यदि आप मार्केटिंग या सेल्स में काम करते हैं तो आपको अपना ऑफिस डेस्क, मेरा ऑफिस से मतलब ये नहीं है कि आप पूरा कमरा ही उसके लिए रख लें, आप ऑफिस डेस्क जहां बैठकर आप कार्य करते हैं वो आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं, तो वो मार्केटिंग और सेल्स वालों के लिए अच्छा होता है। लेकिन ये सामान्य सिद्धांतों से अलग हटकर जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो बच्चे काम करते हैं और जो लोग रिसर्च में काम करते हैं, उनके लिए मेरे समझ से नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण, पूर्व और उत्तर के बीच का कोना जो है वो सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। अब इन स्थानों पर, जहां पर कि मैं कह रहा हूं कि आपको अपना होम ऑफिस या होम ऑफिस डेस्क लगानी चाहिए, वहां पर दीवारों का रंग कौन सा होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट का कोना, वहां दीवार जो है येलो या ऑरेंज कलर की होना चाहिए, लाइट कलर्स के होना चाहिए। साउथ वेस्ट, वेस्ट की जो दीवारें हैं वह नीले रंग की, हल्के नीले रंग की कर सकते हैं आप, और नॉर्थ वेस्ट की जो दीवार है उसे आप व्हाइट कलर में रख सकते हैं। इन हमारे इन साथियों को जो घर से कार्य कर रहे हैं, उन्हें अपनी डेस्क किस तरह रखना चाहिए, इस पर भी कुछ बातें मैं बता दूं। ध्यान रखें कि आपकी जो चेयर है उसके पीछे सॉलिड दीवार हो, ना कि बालकनी या कोई खिड़की या दरवाजा, वे आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं और आपको एक जो आपके लाइफ में, आपके वर्किंग लाइफ में जो स्टेबिलिटी लाना चाहिए वो नहीं आ पाती। इसलिए आपको हमेशा जब बैठे तो ये ध्यान रखें कि अपने चेयर के पीछे सॉलिड दीवार हो। टेबल पर फालतू का सामान ना रखें, कचरा इकट्ठा ना करें। कचरा से मेरा मतलब है कि अनयूज्ड पुराना आपका लैपटॉप खराब हो गया है, कैलकुलेटर खराब हो गया है, पेपर्स जो सालों से यूज में नहीं आ रहे, उस तरह की चीजें टेबल पर इकट्ठा करके ना रखें, उनको सबको अलग करें। जो करंट चीजें जो आप यूज कर रहे हैं उनको रखें, अपना लैपटॉप रखें, उनको भी नीट एंड क्लीन रखें, हमेशा साफ रखें। जैसा कि मैंने एक बार विद्यार्थियों को बताया था, जूठे बर्तन उस जगह पर ना रखें, जूते मोजे जो बाहर से आप पहन कर आते हैं उसे पहन करके काम ना करें। मित्रों, जो आखिरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि जो हमारे साथी इंटरनेशनल मार्केटिंग कंपनियों से जुड़े हैं और उनका क्षेत्र मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो उन्हें अपने जो वर्क डेस्क है, घर में जो वर्क डेस्क उन्हें बनाई हुई है, उसके नॉर्थ वेस्ट कोने में एक ग्लोब रखना चाहिए। यदि आपकी डेस्क छोटी है, आप बड़ा ग्लोब नहीं रख सकते हैं, तो आप क्रिस्टल का छोटा ग्लोब भी रखकर काम चला सकते हैं। इससे आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी,
आपका जो प्रचार प्रसार आप कंपनी की तरफ से कर रहे हैं उसमें भी बहुत अधिक सफलता आपको मिलेगी और आप अपना कार्य अच्छी तरह संपन्न कर पाएंगे। तो मित्रों, आज की बात यहीं तक। यदि मेरी बात आपको अच्छी लग रही है, कंटेंट आपको अच्छा लगता है, तो आप जरूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।